एक टीम नंबर 7 पे, एक टीम नंबर 8 पे है भैया। दोनों ही टीम के बिल्कुल कोई भी ठाट बाट नहीं है। क्यों? क्योंकि आई मीन कहां फंसे हुए यार। एक का तो मतलब सूर्य अस्त हो गया, वो लग रहा है कि मतलब हौसले पस्त सूर्य अस्त, सारी टीम ध्वस्त। आई मीन यहां से कहीं नहीं जाने वाले, दिस इज ओवर। सो हैदराबाद के लिए मतलब अब ये आईपीएल हो चुकी है समाप्त, अब आगे की तरफ सोचना है तो फिर यू माइट सी एक्चुअली चेंजेस। क्योंकि जब हारने के लिए कुछ होता नहीं है ना, तो फिर आप बिल्कुल बिंदास खेलते हो। दैट इज समथिंग दैट्स बीन मिसिंग। अब सामने वाली टीम की बात करें तो या तो ऐसे हाईज दिखते हैं या फिर लोज दिखते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें पता नहीं चलता। बट देन इज क्रिस मॉरिस फिट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। एवन लुइस को क्या हुआ एक मैच के बाद? कोई मतलब पूरी रिपोर्ट तो देता नहीं है, पर ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको जहन में रहेंगी और लगेगा कि यार यू आर कटिंग योर शॉर्ट, चेंजिंग द फ्रेंचाइज। थोड़ा सा जहन में रहता है क्योंकि अंग्रेज चले गए, राजस्थान छोड़ गए, अब जो बाकी खेला वो भी छोड़ गए। आई मीन हाउ डू यू विन देन? इट्स अ बिट ऑफ अ बमर। आज का मेरे लिए आपके ट्रिप है कि हैदराबाद के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कौन सी रही? मार्जिन ऑफ विक्ट्री, द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री फॉर द हैदराबाद फ्रेंचाइज। क्या आपको पता है कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और मतलब बहुत इसमें बात करने की बात है कि एक तो क्रिस मॉरिस के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैच के बाद आप इंजर्ड कैसे हो गए? डिड यू एक्चुअली लैंड इंजर्ड? क्योंकि इनका एक थोड़ा इतिहास रहना है। शुड ऑल्सो टेल यू समथिंग कि क्या होता है कि अगर आप टूर्नामेंट की शुरुआत इंजर्ड आते हैं तो आपके यहाँ पैसे नहीं मिलते, आपके पैसे काट दिए जाते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा प्रोराटा बेसिस पे कि जितने आपके मैचेस खेलते हैं आप। तो अगर आप पहला मैच खेल ले आते हैं, आप अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपके पूरे पैसे मिलते हैं, फिर आपकी इंश्योरेंस आपको कवर कर लेती है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज डूइंग दैट, बट देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई पहले मैच में क्या इंजरी हुई थी, किसी ने बताया नहीं। एवन लुइस के साथ क्या हुआ? ऑफकोर्स ये तो चाहते होंगे खेलना, क्योंकि पिछली ऑक्शन में नाम किसी ने लिया नहीं था। यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम एंड नाउ यू आर प्लेइंग एंड यू रियली वॉन्ट डू वेल, तो फिर उनकी तरफ आप देखेंगे। हैदराबाद की हालत तो ये है कि आप सोचेंगे कि यार अगर वार्नर की तरफ हमने नहीं देखना तो जेसन रॉय को खिला लो। मतलब यू नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का तो खत्म हो गई कहानी। अब क्या प्रियम गर्ग को खिला लूं? मुझे नहीं खिलाना मनीष पांडे को, और अभिषेक शर्मा को खिला लूं कि भाई मेरे को नहीं खिलाना केदार जाधव को? दीज आर थिंग्स दैट माइट स्टार्ट एंटरिंग देयर थॉट्स कि कुछ नहीं हारने को। पर मैंने चार प्रेडिक्शन करनी है और फिर मैं अपनी टीम भी बनाऊंगा। मेरी प्रेडिक्शन पहले सुन लो यार। सबसे पहले तो राशिद टू बी द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ द मैच। केन एंड सैमसन दोनों मिलकर 60 से ज्यादा रन बनाएंगे। राजस्थान जो है वो ज्यादा छक्के मारेगी और मैं कह रहा हूँ राजस्थान जीत भी जाएगी। तो ये मेरी चार प्रेडिक्शन, इसको हम कल फिर रिव्यू करेंगे, आसान हो जाता ना, फिर मजा आता थोड़ा सा। बट देन माई फेवरेट फैंटेसी ऐप कौन सी? स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, इट्स माई 11 सर्कल, यू नो दैट। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ना यू कैन एक्चुअली विन 5 करोड़। मतलब एक बंदा, मैं भी टीम बनाता हूँ, आप भी टीम बनाओ और मैं भी जीतने का प्रयास करूँगा, आप भी कीजिए, इसमें आप लेजेंड्स के साथ खेल सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। उनको हराया अगर, मतलब लक्ष्मण और राशिद को अगर ये इंडियन T20 लीग में हराया ना, पाँच गुना इनाम मिलेगा। मैं भी उस कॉन्टेस्ट में आता हूँ। फर्स्ट मेरी टीम देख लो, उसके बाद थोड़ा सा और बताऊंगा। संजू सैमसन राजस्थान का कैप्टन, मेरा भी कैप्टन। एवन लुइस, यशस्वी जायसवाल, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, ये मेरे बल्लेबाज हो गए, इकट्ठे कर लिए मैंने सारे। उसके बाद महिपाल लोमरो और जेसन होल्डर, लियम लिविंगस्टन। जेसन होल्डर इज माय वाइस कैप्टन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि लियम लिविंगस्टन ना थोड़ा सा संभल के खेलेंगे। उनका है बेबाक अंदाज है, आक्रामक अंदाज है, थोड़ा सा संभल लो भैया, क्योंकि टीम की आपकी हालत पतली। और डेविड मिलर को थैंक यू जी, हो गया मेरा, बाय, वी कांट प्ले यू। एवन लुइस को वापस लेके आओगे, फिस फिट एंड अवेलेबल नहीं है तो फिर सोचोगे क्या करें, फिर फंस गए दोबारा। देन खलील अहमद, मुस्तफिजुर रहमान एंड राशिद खान। मुस्तफिज इज बोलिंग ब्यूटीफुली, खलील इज बोलिंग ब्यूटीफुली, राशिद भी अपना काम कर रहे हैं, पर टीम कोई ज़्यादा काम कर नहीं पा रही है। तो ये रही भैया मेरी टीम, मैंने बना दी अपनी टीम, आप भी अपनी टीम बनाइए। साइनअप बोनस चाहिए तो फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आपने डिपॉजिट किया इस लिंक के साथ तो फिर 20% आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। बहुत करोड़पति बने, आप भी बन जाओ यार, मैं भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर लेट्स प्ले दिस टुगेदर। माई 11 सर्कल, दैट्स द ऐप वेयर यू नीड टू गो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब जरा मैच की बात कर लेते हैं। इस मैच में अब क्या उम्मीद की जाए, दुबई का मैदान है, एक टीम मैं सोच रहा हूँ किसको खिलाएंगे। इफ आई वांट टू पिक अ टीम फॉर हैदराबाद, जिस टीम का अब आगे जाने का कोई चांस नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वार्नर के साथ वार्नर खिलाऊंगा मैं एक्चुअली वार्नर का, क्योंकि इतिहास बहुत इतना अच्छा है ना, आई वुड वांट टू गिव हिम एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल। तो वार्नर के साथ ना मैं सोचूंगा कि ये आप श्रीवत्स गोस्वामी को खिला लो, क्योंकि रिद्धिमान साह के आपके अगले 3 साल के विकल्प हो सकते हैं, नहीं है तो फिर आप शिवस गोस्वामी की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद आप 3 पे केन को खिलाओ, उसके बाद आपने युवाओं को उतार दो,
केदार जाधव को कहिए थैंक यू, मनीष पांडे को भी आप कह सकते हैं थैंक यू, हालांकि मनीष पांडे 12 करोड़ खर्च किए, नहीं कहोगे थैंक यू। मनीष पांडे को अगर आप खिला भी लेते तो प्रियम गर्ग को आप बीच में खिलाइए, फिर अब्दुल समाद को खिलाइए, फिर आप जेसन होल्डर को खिलाइए, राशिद खान को खिलाइए। अब बॉलिंग आपकी ठीक लग रही है मुझे, बॉलिंग में इतनी समस्या नहीं है, समस्या बैटिंग की है यार, क्योंकि बैटिंग में 125 रन भी नहीं बनाए, और अगर आपके मेन खिलाड़ी भी नहीं बनाने वाले तो बच्चों के साथ खेल लो और अब्दुल समाद को थोड़ी सी और गेंदबाजी करा लो। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डू। अब भाई आप राजस्थान क्या करें, राजस्थान की समस्या अलग है, मतलब ना एक दिन तो मतलब इतना अच्छा खेलते हैं कि लगता है कि यार ये टीम क्वालिफाई करनी चाहिए, फिर एक दिन इतना साधारण खेलते हैं कि यार ये क्वालिफाई किए, मतलब व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन। इट्स अ स्ट्रेंज, मतलब वो फ्रेंचाइज का खेलने का जो अंदाज रहा है थोड़ा सा हटके रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज भी रहा है टाइम्स। इंजरीज की परेशानी तो बहुत रही है, पर अगर एवन लुईस अवेलेबल है तो फट से मिलर की जगह ले आओ, और तबरेज़ शम्सी की जगह मैं तो कह रहा हूँ आप 100% आप लेकर आइए क्रिस मॉरिस को, अगर वो अवेलेबल नहीं है ना तो भी तबरेज़ को छोड़ दो, फिर ओशन थॉमस को खिला लो, क्योंकि डू नॉट और पैक योर बैटिंग। अगर मिलर को खिलाना है खिला लो, बट तबरेज़ शम्जी को आप नहीं खिला सकते हैं। शिवम दुबे के बारे में सोचो यार, एक आपने खिलाड़ी रखा हुआ है टीम के अंदर, हमें कभी तो खिलाओगे, इतने 4.5 करोड़ में आपने खिलाड़ी खरीदा था जो दोनों काम कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, और दुबई की पिच पे ना थोड़ी सी मदद हो रही है फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स का उतना नहीं है, तो आप वो काम कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पिच पे आप चेज़ करना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पिच क्या पहले हुआ करती थी कि आप टॉस जीतो बैटिंग करो, चेज़ करना मुश्किल था, पर अब ये पिच ना एक तो सपाट नज़र आ रही है, ड्यू कभी कभी आती कभी नहीं आती, तो यू कांट रियली ट्रस्ट इट, बट पिच का जो खेलने का तरीका है, जो रवैया है, वो नहीं बदल रहा है। बैटिंग आसान है तो फिर वाई नॉट चेज, दैट समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। लेकिन अगर पहले बैटिंग आती है तो कोशिश कीजिए कि आप 160 से ऊपर जाएं, 170 175, बिकॉज उतना पहुंच गए तो हैदराबाद के लिए काफ़ी होगा, दैट्स राजस्थान। अगर आप हैदराबाद हैं तो पहले बैटिंग अगर कर लेते हो तो फिर बनाओ कम से कम 155 रन, क्योंकि उससे कम में तो आपकी बॉलिंग से भी रुकने वाले नहीं है, लेट्स बी फेयर। द थिंग दैट्स ट्रबलिंग मी अ लिटल वो है भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म, क्योंकि उनको मैं इंडिया के लेंस से देख रहा हूँ। खलील मुझे बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा हूँ उनको देखने में, लेकिन उतना ही मैं कंसर्न होता जा रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार के लिए, क्योंकि स्पीड ना 10 किलोमीटर कम हो गई है यार। आई मीन अगर उनकी स्पीड 10 किलोमीटर कम हो जाएंगे तो हमारी धड़कनें तेज़ हो जाएंगी कि क्या होगा भाई, क्योंकि बुमराह, भुवी और शमी तो है आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स, आपने 4th फास्ट बॉलर तो पिक ही नहीं किया है इस पूरे टीम के अंदर, और हार्दिक पांड्या तो अभी बॉलिंग कर नहीं रहे, उन्होंने मुंबई के लिए भी बॉलिंग नहीं की थी कल, तो नहीं की थी, तो आज कैसे, मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज रेडिकली राइट। तो फिर आई थिंक आई एम अ लिटिल कंसर्नड, और हैदराबाद के लिए लक्ष्मण गारू के लिए मैं बहुत कंसर्नड हूँ। अब तो मैंने वैसे कह दिया राजस्थान जीतेगी, हो सकता है हैदराबाद जीते, और फिर भी ना जीते लक्ष्मण पाजी कुछ नहीं हो सकता थोड़ी टीम का, मैंने मतलब अपनी तरफ से सब कुछ जोन जा मतलब जोर लगा दिया है, पर होने वाला कुछ है नहीं, तो मैं तो पहले अपनी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। अब हाँ जी, अब मैंने आपको जो ट्रिविया पूछा था उसका जवाब देता हूँ मैं, कि हैदराबाद की सबसे बड़ी जो जीत रही है वो 118 रन की थी, हैदराबाद बैंगलोर के खिलाफ 2019 की बात है, 118 रन की जीत काफ़ी होती है, तो वेल डन हैदराबाद, बट दोज वर द डेज, उसके बाद तो ना सूर्य अस्ती है यार, हौसले पस्ती हैं यार। आई मीन वैसे बाय द वे आज कमेंट्री छुट्टी है, तो ESPN क्रिकेट इन्फो में आपको थोड़ी देर पे नजर आऊंगा, तो आप वहाँ जाना और देखते हैं, आज कोशिश करता हूँ कि YouTube पे लाइव आ जाऊँ, कुछ बनाते हैं प्रोग्राम, बट वो करेंगे बाद में, पर अभी के लिए इतना ही है। आप देख रहे थे माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, दैट इज वेयर यू नीड टू गो, टेक केयर माई फ्रेंड्स।